बात आज मुझे शैतान की करनी है। शैतान से तो डर के रहना चाहिए सभी को, खास तौर पे फिजिसिस्ट को। डीमंस एंड डेविल्स इन फिजिक्स, देखें डेविल तो हो गया शैतान, डीमन क्या हुआ, शैतान नुमा चीज है, लेकिन वो एक शैतान का कारिंदा होता है। तो समझ ले के जैसा कि गुल्लूबट है, तो खुद शैतान नहीं है लेकिन उसका काम करता। तो आज मैं शुरू करूंगा अपनी बात मैक्सवेल्स डीमन से, लेकिन मैक्सवेल्स डीमन तक पहुंचने से पहले मुझे आपको काफी सारा बैकग्राउंड देना होगा हीट फिजिक्स का, जिसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो आप जानते हैं या आपके मुशाहदे में है कि गर्मी किसी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाती है। कभी आपने ये नहीं देखा कि पानी की बाल्टी जो गर्म थी वो ठंडी ही होती जाती है, ठंडा पानी खुद ब खुद गर्म नहीं होता हमेशा। ऐसे आपने देखा है कि जो गर्म चीज है वो किसी ठंडी चीज को अपनी गर्मी देती है। तो ये हमें नहीं पता था आज से कोई 200 साल पहले कि गर्मी की नौइयत क्या है। ये समझा जाता था कि ये एक मायानुमा चीज है, एक फ्लूइड है, और वो फ्लूइड जो है वो एक गर्म जिस्म में ज्यादा होता है और ठंडे जिस्म में कम। लिहाजा जिस तरह पानी ज्यादा से कम ऊंचाई से जाता है, वैसे गर्मी भी उसी तरह से बहती है, एक फ्लो होता है हीट का। मगर हमें उस वक्त ये पता था कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था फ्रेंच, क्लाउसियस। क्लाउसियस ने कहा कि एक ऐसी चीज है जिसको उसने एंट्रोपी का नाम दिया, और एंट्रोपी एक ऐसी मिकदार है जिसको उसने एक मैथमेटिकल शक्ल दी। उसने कहा एंट्रोपी को नाम उसने एस दिया। तो अगर थोड़ी सी गर्मी, जिसको मैं डेल्टा क्यू कहूंगा, अगर ये इधर से उधर जाए तो उस एंट्रोपी की मिकदार फिर इतनी बनती है। तो ये क्लाउसियस के जमाने की बात है, और ये कोई 200 साल पहले, समझ लीजिए। नहीं पता था कि ये फिजिकली क्या चीज है, मगर ये एक ऐसी चीज है जो बकौल क्लाउसियस के हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है, अगर आपका पूरा सिस्टम आजाद हो, बाकी दुनिया से उसका कोई ताल्लुक ना हो। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर जो मैंने अभी आपको मिसाल दी, एक कमरा है, बंद कमरा है, हम इन दीवारों से ना गर्मी को आने देते हैं ना जाने देते हैं, पानी की बाल्टी पड़ी है इसमें, पानी ठंडा हो जाता है, कमरा कदरे गर्म हो जाता है। और क्लाउसियस का ये कहना था कि एंट्रोपी एक ऐसी मिकदार है जो बढ़ेगी। दूसरी मिसाल, आप बर्फ लीजिए, तो बर्फ पिघलती है, वो गर्म हो जाती है, और बाकी जो उसका माहौल है, जिसके अंदर ना बाहर से कोई गर्मी आ सकती है ना जा सकती है, गोया कि वो इंडिपेंडेंट है, उस पूरे निजाम का उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका हमारी दुनिया से क्या ताल्लुक है और क्यों ये अहम चीज है। वजह ये कि आज से 200 साल
250 साल पहले जब भाप का इंजन बना, भाप का इंजन बना, उसके बाद पेट्रोल का इंजन बना, डीजल का, ये तमाम इंजन जो है गर्मी पर चलते हैं, दे आर थर्मोडायनामिक इंजन्स। आज जितनी भी बिजली पैदा होती है दुनिया में, या जो भी इंजन चलते हैं, या आपकी जो गाड़ी है, या जो हर जो चलने वाली चीज है, वो थर्मोडायनामिक्स के उसूल पर चलती है। गोया के थर्मोडायनामिक्स बहुत ही बुनियादी किस्म की साइंस है, और इसको परखा गया है और परखा गया है, और कभी इसमें कभी कोई खलल नहीं पाया गया। ओके, अब 50 साल आगे चलता हूं, तो उस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हमें ये पता चला कि हवा के अंदर दरअसल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जो हवा का दबाव होता है किसी बर्तन के ऊपर, या फर्ज कीजिए कि इस कमरे की दीवारों के ऊपर, वो इसलिए कि हवा के जो एटम हैं वो जाकर इसके साथ टकराते हैं और फिर टकरा कर वापस आते हैं, तो ये मुसलसल उनके टकराने से इन दीवारों के ऊपर दबाव पड़ता है। और ये भी हमें पता चला कि ये जो एटम है वो अपने आप को फैलाना चाहते हैं पूरे इस बर्तन, इस पूरे इस माहौल के अंदर, इस हुजम के अंदर। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं बहुत से एटम जमा करूं, मसलन किसी गुब्बारे में, गुब्बारे को सुई से चुभूं तो गुब्बारा फटेगा और वो जो बाकी जो एक्स्ट्रा एटम जो सारे आसपास फैल जाएंगे, और हर सूरत में एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा, अब इस चीज को तकरीबन 50 साल के बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने समझा। मैक्सवेल बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत ही एक जबरदस्त जहन का मालिक था, और उसने एक तो थर्मोडायनेमिक्स को क्लाउजियस से लेकर उसके अंदर जो जिद्दत पैदा की और जो उसके उसको समझा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो एक चीज़ है। जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी नौइयत तक, उसकी पेशन गोई सबसे पहले मैक्सवेल ने की थी। अच्छा, मैक्सवेल ने कहा कि ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस गैस के अंदर एटम्स हैं और ये एटम्स हरकत करते हैं, कुछ बहुत तेजी से करते हैं, कुछ कदरे कम, वो हर तरफ हर सम्त में हरकत करते हैं। अच्छा, फिर उसने सोचा कि देखो कुदरती तौर पर तो इस निज़ाम में बराबरी फितरी चीज़ है, तो ये गैस का अगर मैं बहुत सारे एटम्स इधर जमा करूं, कुछ वक्त के बाद ये बराबर होकर सारे फैल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस कमरे में जितने एटम्स हैं उन सबको इकट्ठे करके मैं उस कोने में डाल दूं, तो बस समझ लीजिए कि एक सेकंड के हजारवें हिस्से के अंदर ये पूरे कमरे में फिर से बराबर फैल जाएंगे। उसने फिर एक उसके जहन में ख्याल आया कि अगर फर्ज कीजिए मैं हर एटम को देख सकता और उसको मैं ट्रैक कर सकता कि वो कहां से कहां जा रहा है, तो क्या मैं फिर उस गैस की खास को बदल सकता हूं? और फिर उसने एक ऐसी ख्याली चीज का सोचा जो उसके नाम से अब मंसूब है, मैक्सवेल्स डीमन। फर्ज कीजिए कि तो ये डीमन है, देखें ना, हमेशा ये खतरनाक शक्ल के होते हैं, और इनका काम, डीमन्स का काम हमेशा ये कि काम खराब करना है।
तो जो फितरी निज़ाम है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, और जिसका ये कहना है कि एंट्रोपी को हमेशा हमेशा बढ़ना चाहिए, मैक्सवेल ने एक ऐसी चीज तसव्वुर की जिससे ये कानून उल्टा हो जाता है और खुद ब खुद ये एंट्रोपी घटती है। तो अब मैं निजाम इसका समझाता हूं आपको। ये एक गैस है और समझ लीजिए कि तकरीबन उतने ही रेड एटम्स हैं जितने के ब्लू एटम्स हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये शैतान है, ये डीमन है, और ये डीमन हर एक एटम को देखता है, जानता है, और जब ये देखता है कि ब्लू एटम इस दीवार की तरफ आ रही है, एक समझ लीजिए कि एक बहुत ही पतली सी दीवार है इधर, तो जब ये ब्लू एटम इसकी तरफ इस जगह पर आता है तो वो दीवार को नीचे कर लेता, पार्टीशन को नीचे कर लेता, और ये ब्लू एटम फिर इससे टकराकर वापस चला जाता। लेकिन जब डीमन ये देखता है कि एक सुर्ख एटम इसकी तरफ आ रहा है तो ये पार्टीशन ऊपर कर देता और जो सुर्ख एटम है वो इधर चला जाता। फिर इसने दीवार पार्टीशन बंद कर दी, फिर इंतजार किया। इंतजार से मतलब ये है कुछ माइक्रोसेकंड्स इंतजार किया, उसके बाद फिर से ये चीज हुई, कोई चलिए ये ब्लू एटम इधर आ गया, क्योंकि एटम्स तो आपस में हर वक्त टकराते हैं, गिर इधर से इधर टकराकर उधर जाते हैं। जब भी कोई ब्लू एटम उसकी तरफ आता दीवार बंद कर देता, और जब भी कोई रेड एटम आता तो दीवार खोल देता। तो इसका नतीजा क्या होगा, बताइए क्या होगा? रेड एटम एक जगह बैठे हो जाएंगे इस तरफ। एग्जैक्टली, तो सारे रेड एटम्स इस तरफ हो जाएंगे, सारे ब्लू एटम्स इस तरफ हो जाएंगे। अच्छा, तो फर्ज कीजिए कि ब्लू एटम्स है ही नहीं, सिर्फ रेड एटम्स हैं, तो फिर सारे रेड एटम्स उस तरफ हो जाएंगे। या फिर अगर वो चाहे तो सारे एटम्स इस तरफ हो जाएं। गोया कि जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो इनमें फिर आपने फर्क पैदा किया, ज्यादा से ज्यादा इस तरफ हो, सारे इस तरफ हो गए रेड, सारे इस तरफ हो गए ब्लू, और अगर ब्लू नहीं है तो आपने एक मिक्सचर से आपने ये इन दोनों को अलहदा कर दिया। गोया के एंट्रोपी अब खुद ब खुद घट गई। मैक्सवेल ने एंट्रोपी को बेतरतीबी के साथ जोड़ा। उसने कहा कि एक निजाम में जितनी ज्यादा बेतरतीबी होगी, इंतशार होगा, उसी हिसाब से एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो क्लाउसियस ने जो ये फॉर्मूले के जरिए से एंट्रोपी को डिफाइन किया था, मैक्सवेल ने उसको एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन दी। उसने कहा कि एंट्रोपी इसका पैमाना है कि किसी निजाम के अंदर बेतरतीबी या इंतशार कितना ज्यादा है। अच्छा, अब ये जो निजाम है, अब आप देख लीजिए कि ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को बिल्कुल उल्टा देता है। तो अब फर्ज कीजिए कि ये सारे एक ही रंग के हैं। अब ये हमें पता है, वैसे दो अलग रंग के भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन चलिए इट्स सिंपलर टू थिंक ऑफ वन कलर। जब आप किसी गैस को गर्म करते हैं तो होता क्या है? एनीवन?
जो हाँ लेकिन इसकी स्पीड के हवाले से हाँ गर्मी देखें गर्मी क्या चीज़ होती है जब हम मिसाल के तौर पर अपने हाथ को यूँ रगड़ते हैं ऐसे खूब देर तक आप करें तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं ना क्यों गर्म होते हैं इसलिए कि हमारे हाथ में जो एटम्स हैं वो फिर ज़्यादा तेज़ी से ऐसे हिलने लगते हैं और उससे फिर हमें गर्मी की सेंसेशन मिलती है गर्मी महसूस होती है। गैस को जब आप गर्म करते हैं तो गैस के अंदर जो एटम्स हैं पहले अगर वो इस स्पीड पे चल रहे थे अब वो यूं चलने लगेंगे। अच्छा तो फर्ज कीजिए कि यहाँ जो हमारा डीमन है वो ये देखता है कि एक एटम क्या वो आहिस्ता चल रहा है या तेज चल रहा है। अब वो यूं करेगा कि अगर ये आहिस्ता चलने वाला आया इस दीवार की तरफ इस पार्टीशन की तरफ तो वो दरवाजा बंद कर देगा लेकिन अगर ये तेज चल रहा है तो ये खोल देगा। नतीजा क्या होगा कि इधर सारे स्लो एटम्स रह जाएंगे इधर फास्ट एटम्स होंगे। तो फास्ट एटम्स तेज हरकत करने वाले एटम्स उसको हम क्या कहते हैं गर्मी। गोया के गर्मी ठंडे से गर्म हिस्से तक गई है। आप देखें दिस इज डेवास्टेटिंग। इससे तो फिजिक्स के कानून का तहस नहस हो जाता तबाह हो जाता। आप जब पेट्रोल जलाते हैं तो क्या होता है अपनी गाड़ी में जब स्पार्क लगता है तो गैस गर्म होती है ईंधन के जलने से पिस्टन बाहर की तरफ उसको धक्का मिलता है और फिर जो गर्म गैस है वो फिर निकाल दी जाती है। अब इसमें इसका मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ आपको। तो ये गर्म है हॉट ये कोल्ड है। गर्मी गर्म से ठंडे की तरफ जाती है यहां बीच में आपका पिस्टन और दूसरा सब कुछ है इधर से निकलता है काम वो काम जो फिर आपके पहिए को घुमाता है और गाड़ी आगे चलती है। अच्छा इसके लिए जरूरी है कि जो आपके सिलेंडर के अंदर गर्मी है वो ठंडे का रुख करे। द हॉट एटम्स मस्ट गो ये जो गर्म हिस्सा है जिसे हम हॉट रिजर्वोयर कहेंगे यहां से एनर्जी को जाना है ठंडे की तरफ। और ठीक है कुछ तो जाया हो गया कि देखें ना जब आप पेट्रोल जलाते हैं अपनी गाड़ी में तो उसका एक हिस्सा तो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाता है वो यूजफुल काम करता है एक हिस्सा उसका मगर जाया हो जाता है। और वो जाया इस तरह से कि जो पीछे आपका साइलेंसर लगा हुआ है जो क्या कहते हैं उसको एग्जॉस्ट है हाँ एग्जॉस्ट में से कुछ गर्मी निकल जाती है वो जाया होने वाली गर्मी है। तो जितनी एनर्जी आपने पेट्रोल में डाली उसका एक हिस्सा गाड़ी को चलाने में लग गया एक हिस्सा जाया हो गया। एफिशिएंसी जो टिपिकली हमारी गाड़ियों के इंजन की होती है दैट इज अराउंड 30% 40% उससे ज़्यादा नहीं 70% तो ज़ाया हो जाती है अफसोस लेकिन क्या कर सकते हैं ये थर्मोडायनामिक्स का उसूल है इससे आप इन्हेराफ नहीं कर सकते। एनीवे
तो क्या यहाँ से मैं वाजे किया कि गर्मी जब यहाँ गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म पर जाती है तब ही आपको इसमें से काम मिल सकता। अब यहां पर देखें मैक्सवेल डीमन के होते हुए तो ये शैतान देख रहा है कि स्लो मॉलिक्यूल जा रहा है, दरवाजा बंद कर दिया, तेज मॉलिक्यूल आया, दरवाजा खोल दिया, तेज मॉलिक्यूल उधर चला गया, ये गर्म हिस्सा हो गया, ये ठंडा हिस्सा हो गया। अब ये मेरा हॉट रिजर्वोर हुआ, ये मेरा कोल्ड रिजर्वोर है, अब इनके बीच में मैं इंजन चलाऊंगा। यानी कि मुफ्त की मुझे एनर्जी मिली, मैंने तो पेट्रोल भी नहीं खरीदा और खुद ब खुद ये गाड़ी चलने लगी। तो इस शैतान ने तो तबाही फेर दी थर्मोडायनामिक्स की। अगर ये वाकई है तो फिर अगर ऐसा डीमन वजूद रखता, अगर हम ऐसा डीमन बना सकते, फिर हमें कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, कोई डीजल नहीं चाहिए, कोई गैस नहीं चाहिए, कोई ईंधन नहीं चाहिए। By violating the second law of thermodynamics, we can get free energy, muft, 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 muft. पानी की गाड़ी याद आती है? तो that is if you can make this demon. मैं आपसे पूछता हूं, इस क्या ये हकीकी डीमन हो सकता है? कैन यू एक्चुअली मेक अ डीमन लाइक दिस? व्हाई डू यू थिंक सो? सर माय आंसर इज नो टू दिस बिकॉज इट वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर कैनॉट फ्लो फ्रॉम लाइक अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। हाँ तो आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज हाउ द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी वायलेटेड। कि मैं जाकर देखूं एटम बाय एटम, ओहो वो इट्स मूविंग स्लो, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट, रोक बीच में दीवार डाल दी। आई नो एज द हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट यू कैन नॉट नो द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एन एटम एंड इट्स मोशन। अच्छा दैट्स वेरी That is a very nice reason you are giving. Uh-huh. Achha, chaliye, Thank you. You see, this was long before Heisenberg. Uh-huh. Heisenberg was 1920. Main jo baat kar raha hu, wo 150 saal pehle ki hai. So it's, samajh lo ke 50 years before that. So can anyone give me a reason why this is not workable? Anyone? अच्छा क्या इतराज हो सकता? एक तो ये कि चलिए इतना नन्हा सा डीमन बनाना, मगर चलिए शैतान जो है ना वो हर किस्म के काम कर सकता, तो उसने अपना गुल्लू बट बनाया है, वो ये काम कर सकता है ना, फर्जी बात है। Sir, if we are even were able to make this, we would need energy to power it. That might work. But I'll tell you why it might not work. What you're saying is कि इस इसको उठाने में energy चाहिए होती ना? आपने ठीक है बहुत ही हल्का पार्टीशन बनाया, मगर ये डीमन जब उसको ऊपर उठाता है तो उसको कुछ एनर्जी उसके ऊपर सर्व करनी पड़ती है। माय ऑब्जेक्शन टू योर ऑब्जेक्शन इज कि जब उसने ऊपर उठा दिया तो उसने फिर वापस भी रख दिया, जब वापस रखा तो जितनी एनर्जी उसने उठाने में लगाई
उतनी ही उसने वापस डाल दी। और फर्ज करो कि ये एक फ्रिक्शनलेस सिस्टम है जिसमें कोई लॉसेस नहीं होते, उस सूरत में आपका जो एतराज है वो नहीं चलेगा। मान लिया कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ इसमें नहीं जो था एप्लीकेबल, लेकिन सर इससे बाकी लॉज भी सारे डिसएग्री हो जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगा, उससे बाकी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बाकी लॉज हैं वो भी हमें डिनाई करने पड़ेंगे, तो सर ये तो फिजिक्स सारी ख़त्म हो जाएगी। ना 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 वाई वाई आप क्यों कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें ज़ाय ख़राब हो जाएगी? देखें, ये एटम जब इस दीवार से टकराएगा, टकरा कर वो पलट जाएगा, उसने कोई अपनी एनर्जी इसमें ज़ाया नहीं की, जो चला गया तो खैर चला गया, लेकिन जिस जो इसके साथ टकराता भी है डजंट लूज एनी। और फिर जैसा कि अभी बात हुई कि उस दीवार को, उस पार्टीशन को ऊपर उठाने में आपको एनर्जी सर्व करनी पड़ी, जब ये वापस नीचे आया तब आपको एनर्जी वापस मिल गई, गोया के इसमें वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आता। मैक्सवेल वाज स्मार्ट इनफ फॉर दैट। देखिए, मैं जो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, ये बहुत गहरा सवाल है, इस मसले का हल बस अभी निकला है, 1962 में निकला, अभी मैं बताने वाला हूँ कि वो क्या है। मुझे लगता है कि अगर एक साइड पे सारा हॉट एटम चले जाएंगे, एक साइड पे कोल्ड रह जाएगा, तो वो एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए सन है सर, तो वो उधर से गैसेस निकल रही हैं, जिस तरह सर आग जल जाती है, तो मे भी वो एक्सप्लॉइट कर दे। एक्सप्लॉइट से मुराद क्या सर? वो उनकी स्पीड और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो एक टाइम आएगा तो एक्सप्लॉइट कर जाएगा। जी सर, नहीं नहीं, हम देखें इसकी दीवारें इतनी मजबूत बना सकते हैं कि कोई ऐसा खर्चा नहीं होगा। हमें थोड़ी सी भी मुफ्त की एनर्जी मिल जाए ना, बहुत है, क्योंकि इस पर अगर हमने एक कोई इंजन बनाया तो उसका मतलब फिर ये बना कि आपको मुफ्त की एनर्जी मिलती चली जाएगी। जहां आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उधर तो फिर आपको मुफ्त की एनर्जी मिलती चली जाएगी। मुफ्त मीनिंग यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी फ्यूल ऑन इट। हाँ सर, इफ यू हैव टू मेक दिस डीमन, इट विल हैव टू बी वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस, लाइक इफ एन एटम दे मूव रियली फास्ट, इट विल हैव टू गो सुपर फास्ट, बट देयर इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम, and a slow moving atom can also pass with the fast moving atom. Acha, okay, you know, you have a scientist very good, thank you, you sir. Have a scientist way of thinking about this. Ha, udhar diji. Ha, lekin usse pehle main jawab ye de dun. Acha, ek second main. Ha, ye tumhara kehna hai ki agar do atom sath sath aa rahe ho to डीमन जो है वो इतनी जल्दी एक्ट नहीं कर सकेगा कि वो दोनों घुस जाएंगे। हाँ, पॉसिबल बट वेरी वेरी रेयर। और अगर गैस ज़्यादा डेंस ना हो तो ये कभी कभार ही होगा, लिहाजा ये एतराज़ नहीं हो सकता। वी कैन मेक द गैस सफिशेंटली लो डेंसिटी so that this very rarely happens. Acha, jo dusra hai ki the demon has to act very 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 fast. Yeah, so what, it's a microscopic demon, wo tumhari tarah nahi hai. It can be a very very small thing, or it has to be intelligent, it has to be able to tell. Main batata hu ki now we are actually making Maxwell demons in the lab. Ha ji bataiye सर, एक ऑब्जर्वेशन जो मेरी थॉट इसमें आ रही है कि इसको वर्केबल करने के लिए वी हैव टू हीट द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब उसको हमें एक्सेलरेट कराने के लिए कहीं ना कहीं से तो पुश करना पड़ेगा, अदरवाइज तो
एनर्जी तो कहीं से चाहिए, अदरवाइज से रिजल्ट कंसिडरेबल तो शायद ना मिले। नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गैस है ठीक इधर, इस गैस में, ये गैस रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पे है, लिहाजा इसके जो इस कंटेनर की जो दीवारें हैं वो भी रूम टेम्परेचर पर हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है एटम्स की और यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है एटम्स की वो बराबर है, फिर मैं इधर इस शैतान को बिठाता हूँ और वो तेज मॉलिक्यूल्स को यहाँ जाने देगा, आहिस्ता को रोकेगा, लिहाजा इधर तेज जमा हो जाएंगे, इधर आहिस्ता जमा हो जाएंगे, ये ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में एनर्जी तो पहले से थी, वो तो हाँ, बस ये कि अब मैंने ये गर्म इस तरफ कर दिए, ठंडे इस तरफ कर दिए, और ये खुद ब खुद हुआ। खुद ब खुद मतलब ये कि इसको कोई मज़ीद गर्मी या ईंधन देने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ वॉट इज़ वेरी पज़लिंग। अच्छा चलिए, अब हम आगे चलते हैं और ये है 1960s की बात। जिसने इस मसले को हल किया, जब मैं कहता हूँ कि हल किया तो इसका मुकम्मल हल अब तक नहीं निकला, मैं बताता हूं कि इसमें क्या पेचीदगियां हैं। उस शख्स का नाम है लैंडाउर और ये 1962 की बात। तो लैंडाउर ने कहा कि देखो, एक एटम अगर कोई एटम तेज चल रहा है या आहिस्ता चल रहा है तो मुझे, तो डीमन को वो बात रिकॉर्ड करनी होगी कहीं पे। कहां पर रिकॉर्ड करेगा? किसी कंप्यूटर पे करेगा। कंप्यूटर पे आप डेटा किस सूरत में डालते हैं? बिट्स की सूरत में। तो जो आपका आम कंप्यूटर है उसमें कुछ गीगाबिट्स होते हैं, बाइट, बाइट और बिट में फर्क तो आपको पता है। उसमें 10 गीगाबाइट्स होते हैं, बहरहाल बाइट्स होते हैं, बिट्स होते हैं। एक बिट जो है वो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब इसका मतलब ये कि आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन कि कौन सा एटम, एक तो ये किस रंग का है, अगर रंग सारे एक ही हों, एक ही किस्म के हों, तो हर एटम के पोजीशन और उसकी स्पीड को आपको कहीं पर नोट करना है, यानी कि यू हैव टू हैव अ डेटा रिपोजिटरी फॉर दैट, कंप्यूटर में आपको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब ये मैं, अगर आप चाहें तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ बाद में, लेकिन ये एक हकीकत है कि जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है इसके अंदर, सो फाइनाइट है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा है। अगर इस वक्त मुझे पता है कि ये सारे एटम्स कहाँ पर हैं, किस तेजी से मूव कर रहे हैं, तो अगले लम्हे में वो भी मेरे पास शायद इतना बड़ा कंप्यूटर हो कि मैं नोट कर सकूं, लेकिन उसके बाद जो लम्हात आएंगे उसमें वो डेटा की मकदार इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूरी कायनात को अगर आप कंप्यूटर में तब्दील कर दें ना, जितना भी मादा है उसमें, उससे आप मेमोरी बना लें, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं होगा। लिहाजा कुछ वक्त के बाद आपको इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी पड़ेगी।
अच्छा, अब लैंडाउर ने यह साबित किया कि जब भी आप एक बिट को डिलीट करते हैं तो आपको फिर उसकी कीमत देनी पड़ती है. यू हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो उसने कैलकुलेट किया. इट इज जरूरी नहीं, आई वॉन्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. इट इज KT log 2. अच्छा देखिए ना, आप जब डिलीट बटन प्रेस करते हैं अपने ये जो भी स्मार्टफोन वगैरह लैपटॉप वगैरह है, आप समझते हैं कि ये मुफ्त में हो गया. नहीं हुआ, उसके लिए बिजली खर्च करनी पड़ी. अच्छा तो अब बात समझ में आ रही है कुछ कुछ के ये इस शैतान के भी कुछ इसके इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. वो ये है कि ही हैज टू नो अबाउट एवरी एटम्स पोजीशन एंड स्पीड, वरना वो ऊपर नीचे नहीं कर सकेगा ना. अब अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड रखने के लिए उसको फिर डिलीट 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 करना पड़ेगा. जब वो डिलीट करता है एक बिट को करता है तो ही हैज टू पे पेनल्टी ऑफ अमाउंट जो मैंने आपको बताया, के विच इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, टी विच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लॉगरिथम ऑफ टू. छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, लेकिन दिस इज एनॉर्मस. तो जब वो इतनी इंफॉर्मेशन डिलीट करेगा तो फिर उसको वो एनर्जी देनी पड़ेगी. लिहाजा ये जो बात मैंने की थी ना कि इधर ठंडा हो गया कोल्ड, इधर हॉट हो गया, जैसे यहां पर मैंने इंजन चलाया, उस इंजन से मैंने काम हासिल किया, अब उसको वो काम इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो डिलीट कर सके. इज ए गुड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. और अब हमें किसी हद तक समझ में आ रहा है कि व्हाई मैक्सवेल्स डीमन कैन नॉट वर्क, बट इट वाज अ वेरी ट्रिकी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम. हाँ हाँ सर, आई ऑल्सो थिंक देर इज वन मोर पॉइंट दैट ऑन द हॉट साइड द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रियली फास्ट, दे विल कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, बट दे लूज सम एनर्जी इन द प्रोसेस एज वेल. ओह एक्सेलेंट पॉइंट, एक्सेलेंट पॉइंट. देखो यूर एब्सोल्यूटली राइट कि इस फिजा इस जो जो हवा इस कमरे में है इसमें एटम्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं लेकिन बहुत कम टकराते हैं. दिस इज़ अ वेरी डाइल्यूट गैस. हाँ अगर पानी के मॉलिक्यूल्स लो तो पानी का की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है ना बनिस्पत हवा के, तो उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में खूब ज़्यादा टकराते हैं. अच्छा दूसरा पॉइंट ये कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं usually it is an elastic collision, जिसके माने ये हुए कि हाँ ये एक दूसरे से टकरा गए लेकिन इसमें energy एक से दूसरे पर transfer नहीं हुई. हो भी सकती है, it happens, but again that happens very very rarely. हाँ good, very good. अच्छा हाँ जी जी, one question regarding के जो delete करने के लिए energy है. Agreed, principle तो है कि कुछ जहर है डिलीट करने में भी है. What is the quantum? क्या हम ये देख सकते हैं क्या हिसाब बराबर हो जाएगा, या हो सकता है कि जो डिलीट करने पे कम एनर्जी लगी है और जो जाने से लगी है और एक्चुअली हमें मैक्सवेल की थ्योरी किसी हद तक सही हो, अगर टोटली सही ना भी हो तो. Is it possible? अच्छा ओके सो अब आप किसी हद की बात कर रहे हैं ना, क्वांटिफाई हो जाए तो चलिए अब मैं उसकी तरफ आता हूं. इसको देखते हुए अब आप यूं समझें कि द रेड मॉलिक्यूल्स आर द फास्ट मॉलिक्यूल्स एंड द ब्लू मॉलिक्यूल्स आर द कोल्ड मॉलिक्यूल्स,
और ऑल द ब्लू मॉलिक्यूल्स मूव विद द सेम स्पीड एंड ऑल द रेड मॉलिक्यूल्स मूव विद द सेम स्पीड, ऐसी सोच के लिहाज से। अच्छा, अब जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ एक बिल्कुल नया पहलू सामने आता है, और उसमें यह है कि स्टेट्स आर डिस्क्रीट, और फिर हम ये कहेंगे कि एक स्टेट जिसको हम साय का नाम देंगे वो दो का कॉम्बिनेशन है। मिसाल के तौर पर ये रेड एंड मुझे अगर ब्लू चॉक मिल जाए, हाँ ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स में दिस इज द स्टेट इन विच देयर इज 2/3 चांस दैट यू विल हैव अ फास्ट मूविंग atom and 1/3 chance that you will have a slow moving atom. Ab ye acha, we don't allow collisions in this. Collisions agar shamil karne to it becomes more complicated, but it doesn't change anything very much. Ab ye ke jab aapka demon is state par कोई ऑब्जर्वेशन करता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुनियादी उसूल है कि जैसा ही आप किसी स्टेट को देखने की कोशिश करते हैं, उस देखने के अमल में आप उस सिस्टम की हालत तब्दील कर देते हैं। गोया के ये या तो ये पाएंगे, अलबत्त इनकी मकदारें मुख्तलिफ हो सकती हैं। अच्छा, अब ये पिछले ही साल की बात है और गुज़िश्ता 10 साल की बात है कि दे आर ट्राइंग टू मेक क्वांटम डीमंस जो एटम्स के एक्साइटेड स्टेट्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो क्वांटम डीमन है, अब चलिए ये उस शक्ल का नहीं है जो मैक्सवेल ने हमें दिया था, लेकिन ये बुनियादी उसूल उसका यही है, यानी कि एक निज़ाम के अंदर इसकी मुदाखलत होती है, जैसा कि ये इसके अंदर मुदाखलत करता है, इस सिस्टम को बदल देता है। ये जब उठाता है या बंद करता है तो उससे उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो यहाँ जो क्वांटम निज़ाम है इसमें भी अब यही कोशिश की जा रही है, लेकिन आप कहेंगे कि भाई ये फिजिक्स वाले ऐसे ये फजूल हरकतों में क्यों अपनी ज़िंदगी गंवाते हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इतना भी फजूल नहीं है। एक तो ये कि जो थर्मोडायनामिक्स का पूरा निज़ाम है उस पर हमारी जो पूरी दुनिया है बनी हुई है, बनाई गई है, लेकिन जो आने वाली दुनिया है ना, वो उसमें ये क्वांटम डीमन जैसी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी, और उसकी वजह है क्वांटम कंप्यूटेशन। तो क्वांटम कंप्यूटर्स में ये है कि अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया लैंडावर का, कि जैसे ही आप एक बिट को एरेज करते हैं, एरेज करने का क्या मतलब कि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, उसको ऑफ कर देते हैं, या ऑन है या ऑफ है। नहीं 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 नहीं, एरेज का मतलब ये कि यू हैव लॉस्ट हिस्ट्री, खत्म कर रहे हैं, आप उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। ठीक, बिट पे इंफॉर्मेशन बाइट की फॉर्म में, या बिट ऑन है या ऑफ है। जी 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 जी। तो मिसाल के तौर पर अगर ये आपका रजिस्टर है तो ये 101110 ये ऑन है, ऑफ, ऑन 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 ऑफ, ऐसे है ना।
लेकिन जब आप अपना डिलीट बटन दबाते हैं तो ये सारा उड़ गया, ये फिर या तो ऐसे हो गया, 3-6, या फिर इधर वंस आ गए, गोया कि इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, और इसको फिर आप उल्टा नहीं सकते, जिसको दूसरे लफ्जों में आप इररिवर्सिबल कहेंगे। तो जब इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस सूरत में एनर्जी लॉस लाजमी होती है। अच्छा, अगर एनर्जी लॉस हो तो फिर वही चीज है जो क्लासिकल कंप्यूटेशन में होती है। जो आने वाला जमाना है क्वांटम कंप्यूटर्स का, उसमें सोच ये है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसका जीरो लॉस है, और जो टोटल और जीरो लॉस होने के लिए उसको टोटली रिवर्सिबल होना होगा। तो आप समझ लीजिए कि मैक्सवेल का जो क्वांटम डीमन है वो दरअसल क्वांटम कंप्यूटर्स को पावर कर रहा है। सो दिस इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर। मैंने अपनी बात मैक्सवेल के डीमन के बारे में कर ली, अब मैं एक और शैतानी कुव्वत की तरफ जा रहा हूं, और ये टाइम ट्रैवल से मुताल्लिक है। क्या हम माजी में जा सकते हैं कि नहीं? शायद किसी और वक्त पर बहुत ज़्यादा सैर हासिल बात हो सके कि वक्त क्या है, और वक्त की जो इस पर जो मुख्तलिफ जो गुज़िश्ता एक सदी में काम हुआ है, बाद में मैं उसका इहाता शायद किसी दिन करूं इधर ही, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक शैतान की तरफ आता हूं। असल में दो शैतान हैं, एक का नाम एक रशियन साइंटिस्ट है, उसका नाम है नोविकोव, एक को उसने जिन ए कहा है, दूसरे को जिन बी। I don't know why he called them jinns. रशियन जबान में तो शैतान को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन anyway. तो let me tell you a little bit about time travel. सन 1916 में आइंस्टाइन ने जब इक्वेशन ऑफ जनरल रिलेटिविटी अपनी लिख दी, तो उससे एक वक्त का जो तस्वुर सामने आया वो पिछले तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहले ये था कि वक्त एक बहते दरिया की तरह है, एक ही समत बहता है, एक ही रफ्तार पे बहता है, लेकिन आइंस्टाइन ने ये साबित किया कि वक्त को स्लो भी किया जा सकता है और आप मुस्तकबिल में पहुंच सकते हैं। माजी में आइंस्टाइन ने कहा कि बहुत मसले होंगे, मेरा ख्याल आइंस्टाइन ने कहा कि मेरे ख्याल में माजी में जाना मुमकिन नहीं, और फिर उसने ये दलील दी कि फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक मशीन है जिसको टाइम मशीन कहते हैं, तो मैं अपने टाइम मशीन में बैठकर किसी पिछले ज़माने में चला जाता हूँ, और जो मेरा दादा था उसको मैं मार देता हूँ। अब दिस कॉल्ड द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो अगर माजी में मैं पहुँच सका और मैं अपने दादा को ख़त्म कर सका तो मैं इधर कैसे होऊंगा? लिहाजा उसने कहा कि ये देखो, ठीक है, मेरी इक्वेशन से ये चीज़ निकलती है कि वक्त रिलेटिव चीज़ है, कि वक्त का बहाव तेज़ भी हो सकता है, आहिस्ता भी हो सकता। हाँ, जहाँ तक मुस्तकबिल में जाने की बात है, नो प्रॉब्लम,
मुस्तकबिल में मैं बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका ये, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, इतना आई एम यूजिंग वक्त टू मच, लेकिन ये कि फ़र्ज़ कीजिए मैं, मेरे पास एक रॉकेट शिप है, मैं उसमें सवार होता हूँ, आप इधर ही बैठे हैं, इसी ब्लैक होल में इस वक्त बैठे हैं, और मैं कुछ 100 साल तक सफ़र करता हूँ और वापस आता हूँ, और जब मैं वापस आता हूँ मैं देखता हूँ कि आप तो चल चुके, जा चुके, जो भी, मैं वैसे का वैसा जवान हूँ। और ये थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जिसको बहुत अच्छी तरह से परखा गया है, उसकी ये पेशन गोई है। और फिर ऐसा एक्चुअली हमने देखा भी है विथ एक्चुअल फिजिकल पार्टिकल्स, जैसा कि मेजॉन्स होते हैं, वो पार्टिकल जो डिके होते हैं, वी हैव सीन दिस। तो उम्र दराज करने के लिए, तो मेरी उम्र दराज हो गई, मैं गया वापस आया, आप चले गए, सो आई हैव कम इनटू योर फ्यूचर। अच्छा, अब ये पिछले चंद सालों से, 1992 इट्स नॉट दैट रीसेंट, लेकिन इस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को बहुत लोगों ने रिविजिट किया है कि क्या ये हो सकता है कि कैन वी गेट अराउंड दिस समहाउ। तो इससे बहुत इससे तो बजायर कॉज और इफेक्ट में एक तोड़ आ जाता है, एक तकसीम आ जाती है। देखें, जिसको हम सबब और मुसबब कहते हैं, कि जो कुछ अभी हुआ है सो माजी के सबब हुआ है, उधर कुछ हुआ था कि यहाँ अभी कुछ हो रहा है। हम पैदा हुए पहले, जिस वजह से अभी हम यहाँ पर हैं। सो द कॉज हैज़ टू कम बिफोर इफेक्ट हैज़ टू कम लेटर। या समझ लीजिए कि किसी ने कोई मैथमेटिकल थ्योरम डिस्कवर किया, एक मैं अब ठोस मिसाल आपको देता हूँ, पाइथागोरस, चलिए पाइथागोरस डिस्कवर्स अ थ्योरम सम 3000 years ago, उसके नाम से मंसूब हमारे पास ये एक थ्योरम पहुंचा है, c² = a² + b². अच्छा जनाब, अब हम हमारे पास फर्ज कीजिए कि एक टाइम मशीन है, वो फिलहाल भूल जाएं कि हम टाइम मशीन कैसे बनाएंगे, हैं नुस्खे हैं उसके, ओके, मैं ये नहीं कि बनाई गई है, लेकिन कुछ कुछ ख्याल है हमारे दिमाग में कि ये कैसे बनाई जा सकती है, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं टाइम मशीन में सवार होकर उस जमाने में पहुंचता हूं 3000 साल पहले, और मैं पाइथागोरस को ये थ्योरम और उसका प्रूफ दिखाता हूं। पाइथागोरस उसको नोट करता है और वो फिर लिख देता। अब बताइए, इज दैट थ्योरम बिकॉज ऑफ पाइथागोरस और नॉट? ही डजंट नो, ही इज ऑलरेडी सीन इट ना, ये उसकी इजाद अब ना रही। चलिए थ्योरम को छोड़ दें, कोई गाना है, कोई म्यूजिक है, कोई शायर, कोई नज़म है, कोई कुछ है, जो चीज पहले देखी गई है वो फिर ओरिजिनल तो नहीं रही। गोया के सबब और मुसबब, इल्लत और मालूल में ताल्लुक टूट गया, देर इज नो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, ये तो बहुत ही कुछ अजीब सी बात है। तो अब मैं
इस पेपर की तरफ आता हूँ और बस मैं हल्का हल्का ही बताऊंगा इसके बारे में। 1916 में जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वजह की, तो उस जमाने में आइंस्टाइन के साथ एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था जिसका नाम था गुडेल। और इसके ऊपर दो नुक्ते लगते हैं मेरे ख्याल में, लगते हैं। गुडेल ने आइंस्टाइन की इक्वेशन को देखा और उसने उसका एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसमें क्लोज्ड, अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या, जिसमें क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स की गुंजाइश है, जिसके माने ये हैं कि आप किसी एक जगह से किसी एक वक्त पे अपना सफर शुरू कर सकते हैं और एक पूरा चक्कर, सदियों का चक्कर, दिनों का चक्कर, जो भी है, वो काट के दोबारा उसी नुक्ते पर पहुंच सकते हैं। सो द सेम पॉइंट इन स्पेस, द सेम पॉइंट इन टाइम, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए, जरूरी नहीं कि ये आई विल ड्रॉन इट एज अ टू मच ऑफ अ सर्कल, लेकिन ऐसे हो सकता है A closed time-like curve. Einstein ने ये देखा, उसने कहा कि वाह, actually he didn't throw it out of the window. Einstein black hole को तो नहीं मानता है, अब तो black hole भी एक हकीकत है, सिर्फ ये नहीं, लेकिन वो जो आसमान में है, तो black holes अब हर तरफ हमें black holes दिखाई देने लगे, लेकिन this going back into time, the Einstein didn't throw it out of the window. Einstein ने कहा कि देखो ये तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, लेकिन तुमने इसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डाला है जिसकी वजह से ये चीज आ रही है, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल थिंग। अच्छा, अब ये जो जिसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं, आज हमें पता है कि वो जीरो नहीं है, जीरो से शायद बहुत करीब है, लेकिन इट इज नॉन जीरो, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन टाइम मशीन की पॉसिबिलिटीज और बन सकती हैं, लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है। एक तो ये हो सकता है कि अगर कोई ब्लैक होल हो, ब्लैक होल तो हर चीज खा जाता है ना, उसके अंदर जो कुछ आप डालें वो उसी में चला जाता है, तो ऐसे इस समझ लीजिए कि इधर आपने कोई चीज डाली तो ब्लैक होल अपनी अट्रैक्शन की वजह से उसे हाजम कर देगा। और आइंस्टाइन के की इक्वेशन का एक सॉल्यूशन यह है कि ये जाके ब्लैक होल के बीच में, बिल्कुल उसके मरकज पे, वो हमेशा के लिए वहां जाकर ठहर जाएगा, एक नुक्ते के अंदर जम हो जाएगा। मगर एक और सूरत यह हो सकती है कि इस एक बहुत नैरो थ्रोट से गुजरते हुए ये दोबारा इस तरफ खुल जाए इस तरह। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए वर्म होल। और ये वर्म होल भी एक टाइम मशीन के तौर पे ये भी एक टाइम मशीन बन सकता। सो इफ वी कैन अरेंज ब्लैक होल्स इन द राइट कॉन्फ़िगरेशन, देन यू कैन मेक अ टाइम मशीन। एक और तरीका हो सकता, आपने शायद सुना हो अबाउट कॉस्मिक स्ट्रिंग्स,
ये मैं जो मुमकिनात हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो कायनात में ये ऐन मुमकिन है कि ऐसे धागा नुमा फीते हों जिनको कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहा जाता, जो घूम भी रहे हों। इफ देयर आर स्पिनिंग कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एंड यू गो अराउंड द कॉस्मिक स्ट्रिंग, तो ये एक फिजिसिस्ट है जिसका नाम है गॉट। तो दिस गोज अंडर द नेम ऑफ गॉट्स टाइम मशीन। अच्छा, अब लोगों ने कहा कि ये ठीक है भाई, टाइम मशीन तो है, लेकिन बेसिक बात तो ये बनी ना कि आप अपने नाना को जाके या दादा को कत्ल कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। दिस बिकम्स नॉनसेंस। नोविकोव का मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। अच्छा, नोविकोव इज बाय द वे पता नहीं हयात है मर गया, लेकिन ही वाज वन ऑफ द बिग पीपल इन जनरल रिलेटिविटी। उसका ये कहना है कि देखो, ये उल्टी सीधी बातें तो हो सकती हैं कि जाके अपने नाना दादा को मार दो, लेकिन वो फिर सेल्फ कंसिस्टेंट थियरी नहीं बनती। और फिर उसने ये साबित किया कि दो किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। एक को उसने जिन ए कहा, दूसरे को जिन बी। जिन ए का मैंने जिक्र किया कि हम माजी में चले जाते हैं और पाइथागोरस को उसका थ्योरम दिखाते हैं, तो पाइथागोरस उसको कॉपी करके आगे करता है, लिहाजा सबब मुसबब का ताल्लुक टूट गया। मगर वो क्यों? इन्फॉर्मेशन की वजह से, कि हमने माजी में इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। सो दैट इज जिन ए, जिन टाइप ए। दूसरी सूरत ये हो सकती है, अच्छा, अब क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और इंसानों को पहुंचाना बहुत ही टोटली फार आउट चीज है, बट वॉट इफ यू कैन टॉक ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। तो यहां पर ये देखें, ये माजी है, एक बिलियर्ड बॉल है, एक बिलियर्ड बॉल सीधे यू आ रहा है और इधर उसका रास्ता, उसकी समत बदल जाती है और वो जाकर बिलियर्ड के खाने में गिरता, उसमें फंसता है। सो द बिलियर्ड बॉल हैज कम लाइक दिस एंड गॉन इन। ये माजी है, सो दिस इज, ये देखें घड़ी इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। अब हम ये करते हैं, और नोविकोव ने अब ये मैथमेटिकली साबित किया कि ये जो बिलियर्ड बॉल है, इसको वापस हम टाइम मशीन में भेजेंगे, बाकी और ये टाइम मशीन उसको इस दौर में पहुंचाएगी, उस जगह पर पहुंचाएगी जहां वो अपनी माजी से उसका आमना सामना हुआ, उसने अपने ही को मारा, उसकी संप बदली और ये इधर पहुंचा। गोया के यहां भी इल्लत और मालूल, सबब मुसबब का ताल्लुक कट गया। सो दिस कैन हैपन इन अ टाइम मशीन। तो नोविकोव का ये कहना है कि ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है वो आपको बहुत कुछ बताती है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, जब हम फिजिक्स में स्टूडेंट से क्वेश्चंस हल कराते हैं तो वो बाज़ दफ़ा बड़े, या चलिए जब सिंपल एरिथमेटिक के सवाल हल कराते हैं तो बाज़ दफ़ा बड़े स्टूपिड जवाब निकलते हैं ना, कि अगर तीन मजदूर छः दिन के लिए काम करते हैं और उनको इतनी ईंटें उठानी हैं तो कितने मजदूर चाहिए होंगे उससे तीन गुना ज़्यादा ईंटें उठाने के लिए। उसका जवाब आता है 7.3 मजदूर।
nonsense. You don't have to believe every solution of your equations. What does it mean to say 7.3 laborers when you know that they can only be integers? Novikov ka ye kehna hai ki take only those solutions which are self-consistent. Yani ke wo jisse aapka hal na badle maazi mein jaane ki wajah se. So the grandfather paradox is not a valid paradox. To usne do jinon mein farq kiya. Ek wo jin, usko jin hi kehta, I don't know why. Ek wo jin जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और एक वो जिन जो मादा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पहुंचाता है. एंड सो देखें ये सारी बहुत मज़े की बातें हैं. हो सकता है ये हकीकत से खाली हो, लेकिन जिस चीज़ पर ना आप सोच को आज़ाद करते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो कभी ना कभी उससे कुछ निकलता है. वेरी फार आउट स्टफ. कौन सोच सकता था कि क्वांटम मैकेनिक्स से क्या निकलेगा? कौन सोच सकता था कि ये जो 200 साल पहले कोशिशें हुई थी थर्मोडायनेमिक्स की, वो ऐसी दुनिया हमें बनाकर देगा? सो आई एम गोइंग टू एंड ओवर हियर. ओके. सर, ये जो मैक्सवेल्स डीमन के बारे में कि अगर एक की बजाय दो डीमन हों, सपोज एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट पे है, इमेजिन कोई सब्सटेंस है जो एक जो है वो हॉट है और एक कोल्ड है, इनहेरेंटली वो हॉट है और इनहेरेंटली कोल्ड है, या फिर वो ग्रेजुअली दे लूज देयर एनर्जी और वो ऑटोमेटिकली जो हॉट है वो हॉट एटम्स को उधर इकट्ठा कर दे और कोल्ड को उधर इकट्ठा कर दे, एंड व्हेन वी स्विच देम ऑफ तो नेचुरल फ्लो एनर्जी का शुरू हो जाए. तो ऐसा हो सकता है? बट व्हाई डू यू नीड टू डीमंस? एक ने ये काम कर दिया ना. वी हैव कम टू नो के एक डीमन तो प्रैक्टिकल नहीं है और ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट किया जा सकता. हाँ, लेकिन उसकी वजह कि उस डीमन को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन मिटाने के लिए, एरेज करने के लिए. तो अब दो डीमन्स होंगे, उनको डबल एनर्जी खर्च करनी होगी. व्हाई शुड, देखें ये तो ऐसे है ना कि आपने दो बंदे रखे हैं जहाँ एक की ज़रूरत थी. आई एम इमेजिनिंग कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो इनहेरेंटली हॉट और कोल्ड हो और ये प्रोसेस खुद ब खुद होता जाए. What do you mean by something is inherently hot or cold? आप तासीर की बात तो नहीं कर रहे? No, I'm saying कि जैसे कोई chemical substance है और for example कि उसकी I'm not sure कि यहाँ पे chemist है या नहीं है, तो कि वो gradually for example कि वो ऐसा engine बन जाए जिसमें वो 10 years तक वो gradual अपनी energy lose करे और 10 years तक वो काम करता रहे और सिस्टम जो है वर्क करता रहे थ्रू जो है वो हॉट और कोल्ड जो है वो फ्लो क्रिएट करता रहे. नॉट क्लियर टू मी. देखें, नथिंग इज इनहेरेंटली हॉट और कोल्ड. हीट किस चीज को कहते हैं हम? रैंडम मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स. वो कंस्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. जो उनकी बेतरतीब हरकत है उसे हम गर्मी कहते हैं. इट इज इम्पॉसिबल सिंपली आंसर. नो, यू विल हैव टू एक्सप्लेन मोर. आई एम इमेजिनिंग के जैसे जो है वो कुछ जैसे वो होते हैं हाफ लाइफ के, दे हैव ए सर्टन प्रॉपर्टी एंड देन दे लूज दैट प्रॉपर्टी इन ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो मतलब आर देर एनी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो, या प्रॉब्ली फ्यूचर में डिस्कवर हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक मतलब एवेंचुअली तो एक सिस्टम की बात है ना कि जिसमें एनर्जी फ्लो करे, तो वो कंडीशंस प्रोड्यूस करने के लिए
मतलब वो इमेजिनरी डीमन जो है वो कंडीशन प्रोड्यूस करे, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो ये कंडीशन जिसके थ्रू प्रोड्यूस की जा सकें विदाउट एक्स्ट्रा एनर्जी, जैसे फ्यूल जैसी जो है वो एक्स्ट्रा इनपुट के बगैर। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो जैसा कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, समथिंग लाइक दैट, आप मिसाल के तौर पर आई थिंक विथ प्लूटोनियम, फास्ट प्लूटोनियम का आइसोटोप मुझे याद नहीं है, शायद 233 या 235, जिसके रिएक्टर्स लोग बना चुके हैं, स्मॉल रिएक्टर्स फॉर यूज इन स्पेस। तो प्लूटोनियम क्योंकि एक ऐसा न्यूक्लियस है जो तकसीम हो, जो टूटता है, टूटने के अमल में उसमें से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से फिर आप उस रॉकेट शिप को चला भी सकते हैं। यस, सो दैट इज सर्टनली पॉसिबल। जस्ट लास्ट, सो व्हाई कैंट वी यूज द सेम कार्स और एरोप्लेन्स वगैरह में क्यों नहीं अभी वो हो? बिकॉज इट इज हाईली डेंजरस। आपको पता है प्लूटोनियम इस कदर एक खतरनाक चीज है कि अगर एक नमक के दाने को आप हजार हिस्सों में तोड़ें, वो जितना साइज है प्लूटोनियम का, अगर फेफड़ों के अंदर घुस जाए, यू आर गॉन, आप मिनटों के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो स्टे अवे फ्रॉम प्लूटोनियम। माई लाइक क्वेश्चन कम डिस्कशन रिलेट्स टू द फैक्ट दैट यू टॉक्ड अबाउट स्पिनिंग कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, सो देर आर स्पिनिंग ब्लैक होल्स ऑल्सो विच हैव ओगोस्फियर्स अराउंड देम, and in the ogosphere scientists presume that the arrow of time is reversed, right? Okay. And also there is one more thing that black holes are made out of wormholes. So if black hole is, for example, consuming one matter and then it is spewing out the matter from like it's related to the fact of Hawking radiation. So it's radiating out matter also. So black holes are, you can say, scientists have also come to the conclusion that they are made out of wormholes also. No. The other things you have said are very interesting and right, but black holes are not made out of wormholes. देखो ऐसे है कि Einstein, everything goes back to Einstein's equations. Which are very simple, you know, I could write it. It's just, Einstein's equation is just this. R is equal to T. This is the curvature of space-time. This side is the presence of matter or energy. It's more complicated than that, but sada lafzon mein ye. Achha, ab iske solutions mein black holes bhi hain, wormholes bhi hain. Spinning black holes bhi hain. Spinning black holes were, it's not easy, it's quite actually difficult to solve Einstein's equation for a spinning black hole. Lekin jab aap wo spinning black hole ke liye solve karte hain, you find that space-time is being dragged along by the black hole, or isko, as you said, this is called the ergosphere. The reversal of time does not happen over there. No, that does not happen. Time then travels at, time passes at a different, slower rate. Hawking radiation, yes, all black holes, they radiate this radiation, which means photons, but also every kind of particle comes out of it, and that is how black holes do lose energy, but very, very little. So, sir, just one more thing, that as you get closer to the singularity, time doesn't reverse over there, it goes to stop. Do you agree with that? Well, whose time is the question? The person who is going inside the black hole, you can observe it the same day. For the person who is going inside the black hole, it makes no difference. अच्छा देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। यहाँ पर ब्लैक होल
का मरकज है, ये उसका रेडियस है। अगर हम किस बहुत दूर खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि कोई शख्स इसके अंदर गिर रहा है, इसके इधर तक जो इवेंट होराइजन है उस वक्त तक हम उसको अंदर जाते हुए देख सकेंगे, उसके बाद जब उसके पार चला जाएगा हम नहीं देख सकेंगे। लेकिन हम उसको इधर तक जाते हुए नहीं देख सकते, अलबत्ता वो शख्स जो गिर रहा है इसके अंदर, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। बस थोड़े से अगर वो उसका साइज छोटा हो, अगर वो एटम के साइज का हो तो उसको नहीं पता चलेगा। तो डीमन को हम इस पे बिठा सकते हैं, डीमन को नहीं पता चलेगा कि वो ब्लैक होल में गिर रहा है जब तक के वो बिल्कुल इसके नज़दीक ना पहुंचे, सिंगुलैरिटी के नज़दीक ना पहुंचे, उस वक्त तो फिर डीमन भी उड़ जाएगा, शैतान मिट जाएगा। Like in the far future, can you make a time machine using a black hole? Yes, yes, you will actually need two black holes. There will be a funnel between the two black holes. So when you jump into one black hole, you will be pulled in, but you won't end in the singularities. That's one possibility, but not the one considered over here. You will come out of the other end. तो देखो, इसीलिए लोगों ने पूछा था उस वक्त मुझसे कि इसका ब्लैक होल नाम क्यों रखा गया, इसलिए कि दूसरे सिरे से आप निकल के एक नई दुनिया में पहुंच सकेंगे। अच्छा, हाँ सर, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस, लाइक इफ यू यूज टू ब्लैक होल्स एंड यू गेट सक्ड इन थ्रू वन एंड थ्रू द फनल यू गो इन द सेकंड वन, विल इट बी द सेकंड ब्लैक होल शुड बी द ऑपोजिट ऑफ अ ब्लैक होल एज इट इज रिपेलिंग यू आउटवर्ड्स नॉट सकिंग यू इन। वेरी गुड, इन फैक्ट इट इज कॉल्ड अ व्हाइट होल एंड एक्चुअली ही वाज द डिस्कवरर ऑफ द व्हाइट होल। And then he also discovered that the white hole doesn't work because there'll be such quantum effects. You want the funnel to stay open as something travels, as you travel through it. Tumhe dusri taraf pahunchna hai na? That's why you jumped in the black hole. Lekin ab Novikov or koi aur hai, forget the name. Unhone ye sabit kiya ki agar aap usme ek photon bhi phenke na, ek पार्टिकल का इतना सा जर्रा, तो होगा ये कि उधर क्वांटम जो फील्ड है वो ऐसे उछलना शुरू होगी कि वो गर्दन ही उसकी खत्म हो जाएगी। Told us about Landauer, who said that, you know, this problem is actually a problem of information storage, that, you know, you need to know the positions and momenta of all these particles at all times. But what if this channel is just one atom thick? So that the demon just needs to look at that one atom that is coming at the gate and just record the position or momentum of that one atom and then let it through or not. Okay, so isko itna kam karna hai ki sirf ek hi atom isme se guzar sake. So my answer to that would be, how much information is there in a wave function? There is an infinite amount of information in a wave function. Dekhen, because you're a physicist, you know this. Aise hai ke, if this is your position eigenstate, then the full state is this thing. You need to be able to integrate from here up till here. Jo bhi idhar hai, whatever the limits are. So that is, so isme you know, you need to know psi at every point. And because this is a continuum, therefore classically you need an infinite amount of information over there. Acha, chalo, usko chhod do. Suppose we do this quantum mechanically. So then you would need to know how many n's, the excited quantum numbers to go up till. वो आपने कर लिया, लेकिन वो इस वक्त, अगले वक्त पे, अगले अगले अगले
eventually you will need to delete information. When you delete, you lose energy. डॉक्टर साहब, ये जो सिस्टम है ये तो नेचुरली भी अकर नहीं करता, जिस तरह ऑस्मोसिस जब होता है, यूजुअली विदाउट अस प्रोवाइडिंग एनी हीट और एनीथिंग, मॉलिक्यूल्स खुद ही सेपरेट हो जाते हैं, या पानी और तेल भी विदाउट अस गिविंग देम एनीथिंग, दिस प्रोसेस डज अकर नेचुरली एज वेल, तो इसमें इतना क्या मसला है, ये गैसेस खुद ही क्यों नहीं विदाउट द नीड ऑफ अ डीमन? देखें, जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हैं वो तो एटम्स के की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होते हैं। आप अगर उसे ठंडा कर लें तो ऑस्मोसिस ख़त्म हो जाएगा, डिफ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। ये रैंडम काइनेटिक एनर्जी के सबब ही सब कुछ होता है। अब यहाँ पर हमने सब कुछ उल्टा दिया, हमने ये कहा कि बजाय इसके कि ठंडा गर्म, हर एक जो हर एटम के लिए ये तरफ और ये तमाम डायरेक्शंस एक बराबर हैं। हमने एक इधर शैतान बिठाया जिसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। सो वन डायरेक्शन इज़ प्रिफर्ड ओवर दी अदर। ऑस्मोसिस भी इस सूरत में ख़त्म हो जाएगी, रैंडम मूवमेंट को ख़त्म कर दिए। हाँ। सो नॉट ऑल रैंडमनेस इज फिनिश, बट दिस इम्पॉर्टेंट रैंडमनेस इज, यस। सर, इसमें जैसे उन्होंने अभी कहा है कि ऑस्मोसिस इज द ट्रांसफ़र ऑफ मास ट्रांसफ़र विद रिस्पेक्ट टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो तो नेचुरली है, लेकिन ये उसका उल्टा हो रहा है। ये उसका उल्टा हो रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि आपने हीट ट्रांसफ़र कहा, हीट ट्रांसफ़र टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, और मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हायर वेलोसिटी टू लोअर वेलोसिटी। ये तीनों ग्रेडियंट्स एक ही तरह काम करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो वो तो नेचुरली हो रहा है, ये तो उसका अननेचुरल काम है, ये काम उसका अननेचुरल। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो रिवर्स ऑस्मोसिस है, वो रिवर्स, जैसे आर ओ प्लांट में होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, हम एक मेम्ब्रेन बीच में इंस्टॉल करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं दूसरी तरफ से, यानी एनर्जी अप्लाई करते हैं, वो मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली उस पार्टिकल को पास करने देती है जो के हमें दूसरी तरफ चाहिए, वो वाला, तो वो ऑस्मोसिस का रिवर्स होता है, लेकिन उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, उसमें वैसे नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर तो ये है कि हम एक साइड को बिल्कुल खाली कर सकते हैं, दूसरा साइड भर जाएगा। जी सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इन विच दिस डेविल इन विच वी कैन डीमन कैन एक्चुअली क्रिएट इन्फिनिट एनर्जी, लाइक इफ वी हैव इन्फिनिट स्टोरेज फॉर द डाटा और बिट्स, we have infinite of the storage, then we will not have to delete the information, thus causing it to do it, or the second one is that it doesn't store information. Sir, in which one do you agree? Okay, so there is always a limit on how much information you can store, because after a certain time your hard disk gets full, you have to start deleting. Okay, you say I'll go to blue area and I'll buy a bigger hard disk. Okay. After a while, you buy all the disks, hard disks in the blue area. Then you buy all the hard disks in China and America. You will still not have enough storage. It will still be finite. Large but finite. The best storage, absolutely the best storage, is a black hole. The surface of a black hole has got energy storage, it's called the black hole entropy, which is the area of the black hole divided by Planck's constant. Planck's constant is very, very small. So it's a huge, 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 vast amount of information, but still that is finite. My point is that
in order to track all those atoms, you still, you can never have enough storage. So you'll have to give back the energy. Thank you, sir. Okay, so I think we are done. Thank you. Thank you very much.